कैमरे में फील्ड में आ रहा है। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं आता। चलो भाई इधर आ जाओ। हां भाई भाई रंजी भाई तो आमिर एंड अदनान सबसे पहले आज आकांक्षा का बर्थडे है, क्या कुछ विशेष रहेंगे आपके साइड से जानना चाहिए? हैप्पी बर्थडे तुम जिया और असाल, तुम्हारी सब नेक जैसा तमन्ना पूरी हो जाए और बहुत अच्छा काम कर ही रही है आकांक्षा वैसे तो, आने वाला साल भी उसके लिए बहुत सारा खुशी वाला साल रहे और बेस्ट विशेस हम लोग की तरफ से। आप लोग के साथ कोई अगर कोई मेमोरी अगर हो आकांक्षा के साथ में, आमिर के अल्टीमेट विश? विश के लिए तो बस इतना ही बोलूँगा, शी इज़ वन ऑफ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, अल्लाह और तरक्की दे उनको, वो ऐसे ही काम करते रहे और हमेशा स्माइल करते रहे और खुश रहे। अच्छा बर्थडे पे बात करें कि आपका थोड़े दिन पहले बर्थडे था तो बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चल रहा था, वो टाइम पे आपने कुछ गिफ्ट दिया था, चूड़ियाँ दी थी एल्विश को, लेकिन बाद में एल्विश बिग बॉस 42 के विनर हो चुके हैं। अच्छी बात है, टाइम हो गया है भाई बॉस को जब होके टाइम हो गया है। अगर एल्विश जीता है तो एल्विश को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह और उसको तरक्की दे। बट हम लोग वो लोग में नहीं आते कि वजन देख के भजन करे, जिधर वजन है वो लोग जाके उधर भजन करते, पहले कुछ और बोलते बाद में कुछ और बोलते, वैसी अपनी आदत नहीं है। जो अपन ने बोले वो अपने को फील हुआ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्युनल और हेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, हमारे रिलीजन के लिए वो बोलता था, तो उस वजह से मैंने अपना पीओवी शेयर किया था इंटरव्यू में। अब उस चीज़ को घुमा फिरा के चेंज करके, तो आपका बाइट ऐसा था कि आपने ये कहा था कि वो घर पे लड़ते जाते हैं लड़कियों से, वो बात में बोला था उससे, नहीं गलत आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, जाके इंटरव्यू अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। नहीं आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब मेरे जिम के पास क्वेश्चन हुआ था तो वो टाइम पे ये पूछा गया था कि आपके फेवरेट कौन है, तो मैंने मेरे फेवरेट का, मैंने अपना ओपिनियन, सबका अपना अपने फेवरेट होते हैं, तो मैं मेरे फेवरेट बताया। उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि एल्विश क्यों नहीं, तो मैंने बताया ये रीज़न था। अभी बर्थडे में आए हैं तो बर्थडे से रिलेटेड बात करते हैं, वो चीज़ बासी हो गई है और अभी ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही है उस पर बात करें। अभी इंडिविजुअली सब नाजायज बच्चों को मैं जवाब देने तो जाऊंगा नहीं, अब जो जिसको बाप मानते हैं मैं बाप को बोलूंगा तो उसके बेटे को तो तकलीफ होगी ना, तो ये सब कुत्ते भोंकते रहते, शेर जब चलता है तो कुत्ते भोंकते रहते, तो मैं वो सब कुत्तों को सबको इंडिविजुअली सबको जवाब देने बैठा नहीं हूँ। अगर सब सामना होएगा कभी वन ऑन वन तो बात कर लेंगे और जवाब दे देंगे। अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं, जिम ही चल रहा है अपना और कुछ नहीं अभी फिलहाल तो। क्या कहना चाहोगे एल्विश को बिग बॉस जीतने के बाद? अच्छी बात है, बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद अभिषेक। मेरे हिसाब से अभिषेक डिजर्विंग है, बहुत अच्छा खेला, उसकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और बेचारा बीमारी। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं ट्रिगर्ड इंसान के लिए कुछ बोलना पाऊंगा, एज अ भाई उसने जो मेहनत किया अपने भाई के लिए वो देखने को मिला, तो भाई भाई का जो प्यार था ना वो बहुत प्यारा था, अमेजिंग था वो जो सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस।